हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैंने बहुत बार आपको बाबा वैद्यनाथ धाम और बोल सकते हैं शिवगंगा कंवरिया पथ का वीडियो मैंने दिखाया, लेकिन बहुत सारा का कहना था कि क्यों कॉम्प्लेक्स और जहां से लाइनिंग लगती है अभी उसका वीडियो दिखाए। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ धोबिया घाट। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ये कहलाता है धोबिया घाट। काफ़ी धूप है और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है जहाँ पे भी हम खड़े हैं। तो आपको पता होगा कि सावन में ये जो जगह है काफ़ी भीड़ वाला रहता है और काफ़ी बोल सकते हैं कंजेस्टेड एरिया रहता है। लेकिन अभी अगर आप देखें इसकी हालात तो पूरा क्या है, खाली दिख रहा है। हाँ, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी भीड़ रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। वो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि स्पेशल डे को आ जाता है तो उसमें काफ़ी भीड़ रहता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज क्यों ना दिखाया जाए कि आज की क्या स्थिति है। तो अगर मैं दिखाऊं, ये बगल में जो है आपका नेहरू पार्क कहलाता है। मैं आपको दिखा दूं कि अगर जो भी गाड़ियां आती है तो यहाँ पे आप पार्क लगा सकते हैं। ये नेहरू पार्क है, यहाँ पे आप पार्क लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो है हमारा धोबिया घाट है और इधर से हमारा पूरा जो है अगर काफ़ी भीड़ लगा तो जलसार पार्क से होते हुए आपको इसी यहीं पे आपको लाइन लगना पड़ता है, ठीक है। तो ये जगह आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, पूरा एकदम मतलब खाली है। और ये इधर से घूम के हम लोग को जाना पड़ता है क्यू कॉम्प्लेक्स। बगल में आप वो जो देख रहे बिल्डिंग, वो बिल्डिंग वो क्यू कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इधर से ही होते हुए हम लोगों को जाना पड़ता है। और पहले तो इसको ये जो है, पहले ये जो आप देख रहे हैं शेड जो दिख रहे हैं, ये पहले बांस वगैरह का बनाया जाता था, लेकिन अभी इसको क्या किया है, कुछ दूरों तक परमानेंट के लिए बना दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे लोहे की सीट को लगा दिया गया है ताकि पानी बरसात या धूप किसी भी तरह है तो कवरिया को दिक्कत ना हो। तो बहुत अच्छी व्यवस्था किया था इस बार और बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये सारा चीज़ इसको लगाया गया है। और बगल में ये जो है आप अगर आप देख रहे हैं तालाब जो है हमारा धोबिया घाट कहलाता है। आपको कुछ याद होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। बेसिकली ये तालाब को उस समय काफ़ी साफ़ सुथरा कर दिया गया था और आगे जो है सावन में उसको बहुत बेहतर तरीके से बना दिया गया था। मैं चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को ये जगह पता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि आपके जो कहने पर मैं आपको दिखाने का। आगे भी अगर मैं जाऊंगा तो आगे भी आप देखेंगे तो पूरा खाली नज़र आएगा। एक चीज़ मुझे ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, ठीक है, हाल फिलहाल ही कुछ ही समय हुआ होगा बना हुआ है, लेकिन इतना पुराना क्यों लगता है। उस पर कुछ बेहतर तरीके से काम किया जाए जो देखने में अच्छा लगे और बोल सकते हैं श्रद्धालु वहाँ पर ठहर सके, ऐसा कुछ देखने में लगना चाहिए, लेकिन उस तरह का नहीं दिखता, पूरा एकदम ऑल टाइप का दिखता है। तो ये था हमारा लाइन। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको ये चीज़ दिखाऊं। आगे भी आप जो जगह बोलेंगे मैं कोशिश करूँगा उसको दिखाने के लिए। और भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और किसी तरह का क्वायरी आप चाहते हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिला है। और भाई को चाहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मुझे अर्निंग होती नहीं है और काफ़ी ट्रैवल में मेरा खर्च भी हो जाता है, मैंने सुल्तानगंज कवरिया पति सब कवर करता हूँ। तो भाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे नंबर दिया है तो आप कर सकते हैं। और अभी लगातार मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आप लोगों को बता दिया कि मेरा कुछ रीज़न है, अभी बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके बाद जब मैं लग जाऊँगा इस पर आपको इतना वीडियो दिखाऊँगा, इतना आपको आपकी यादें ताज़ा कर दूँगा कि शायद आपको किसी और चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। बशर्ते कुछ और दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं लगातार आप लोगों के साथ इतना जुड़ जाऊंगा कि लगेंगे कि आप देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम है, कवरिया पथ में है, बासुकीनाथ में, ऐसा महसूस होने वाला है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में कुछ लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। भले मैं आप लोगों को कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं आप सबों का कमेंट पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को लाइक जो करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। और किसी भी तरह दिक्कत हो, मैं आपका छोटा भाई समझ के आप मुझे ज़रूर मौका दें सेवा करने का। मैं जहाँ तक मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ
वो करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं भी हर हर महादेव बोल के एंड करता हूँ।